नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीज के इस पावन अवसर पे मैं आज आपको तीज स्पेशल पेंटिंग बनाना सिखाऊंगी। मधुबनी स्टाइल में ये पेंटिंग हम बनाएंगे और इसको बनाने के लिए मैं A4 साइज़ के हैंडमेड पेपर का इस्तेमाल करूंगी। माइक्रोन पेन से मैं इसको ड्रॉ करूंगी और एक्रेलिक कलर से इसको कलर करूंगी। तो चलिए सीखते हैं दोस्तों। इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने A4 साइज का हैंडमेड पेपर लिया है। माइक्रोन पेन की सहायता से मैं सब कुछ ड्रॉ करूंगी। बॉर्डर्स मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिए हैं दोस्तों, 1/2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर के मैंने दो बॉर्डर बनाए हैं। पहले बॉर्डर को हम खाली छोड़ देंगे और दूसरे बॉर्डर के अंदर मैंने इस तरह से ट्रायंगल डिजाइन बनाई है। अब इसके अंदर मैं कुछ डिजाइन बनाऊंगी। तो दोस्तों इस तरह से हम इस पूरे बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम तीज पूजा के दृश्य को चित्रित कर लेंगे। परंपरा के अनुसार तीज की पूजा करने के लिए एक सुंदर आसन तैयार करना चाहिए, जिसमें केले के पत्तों और फूलों वगैरह से मंडप तैयार करके और उसमें भगवान शंकर और पार्वती की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। और जितनी चीजों से आप पूजा कर सकते हैं, फूल, पत्ते, धतूरा, पान, मिठाई वगैरह, सब कुछ इसमें चढ़ाया जाता है। साथ ही भगवान शंकर और पार्वती की मूर्ति को कच्चे दूध, शहद वगैरह से स्नान कराया जाता है। धूप बत्ती जलाना भी इसमें एक बहुत ही आवश्यक चीज मानी जाती है। तो इन सब चीजों को हम अपने इस पेंटिंग में चित्रित करेंगे। परंपरा के अनुसार मिट्टी और रेत को मिश्रित करके उससे ही शंकर और पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए तीज में, और फिर बाद में ये मूर्तियां जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं जल में प्रवाहित नहीं करती हूँ और मैं उसी मिट्टी को संभाल के रख लेती हूँ और अगली बार फिर से उसी से मूर्ति बनाती हूँ। पान के पत्ते और सुपारी से पूजन आवश्यक होता है। ये मैंने धतूरा बनाया है। धतूरा और बेलपत्र भी अवश्य चढ़ाया जाता है शिव की पूजा करते हुए।
अगरबत्ती, दीपक और ये मिठाइयाँ मैंने बनाई हैं। दोस्तों धूप बत्ती जलाना भी बहुत आवश्यक माना जाता है, साथ ही पांच तरह के फल चढ़ाए जाते हैं, तो ये मैंने नारियल, अनार, सेब, केला, पपीता बनाया है। सुहागन स्त्रियां इस पूजा को करती हैं और इसीलिए अपने शादी के समय के सिंगोरे को पूजा में रखना आवश्यक माना जाता है। चूड़ी, बिंदी वगैरह सभी सुहाग की चीजें माता पार्वती को अर्पित की जाती हैं, तो वो सब चीजें भी मैंने इसमें बनाई हैं। मैं अपने पूजा के मंडप को इसी तरह से फूलों से भरती हूँ, तो वही सारी चीजें मैंने इसमें चित्रित की हैं। अब हम इसमें कुछ महिलाएं बना लेंगे, क्योंकि साथ में पूजा करने का अलग ही आनंद है दोस्तों। तो जहां तक संभव होता है लोग साथ में करने की कोशिश करते हैं। इन सब महिलाओं को हम मधुबनी स्टाइल में ड्रॉ करेंगे, और अगर आपको मधुबनी स्टाइल में फिगर ड्रॉ करने नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। इस पूजा को करने के लिए महिलाएं बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होती हैं, तो उसी तरह से मैंने इन सबको ड्रॉ किया है।
इन डबल लाइंस के बीच में पतली पतली लाइंस बनाकर डिटेलिंग कर लेंगे, इससे पेंटिंग और भी ज्यादा सुंदर लगती है। तो दोस्तों हमारी पेंटिंग की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको कलर कर लेंगे। सबसे पहले हम केले के पत्तों को कलर करेंगे। दोस्तों मिट्टी से भगवान शिव एवं पार्वती की मूर्ति बनाना मैंने एक वीडियो में सिखाया है, जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो अगर आप भी खुद से मूर्ति बनाकर पूजा करना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं। Thank you.
दोस्तों तीज के व्रत पर आधारित हमारी ये पेंटिंग तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पेंटिंग जरूर पसंद आएगी। एक बार फिर से आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई पेंटिंग बनाना सीख सकें। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।